स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बी ए बी एस सी सिक्स सेमेस्टर बुक डायनामिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 6 तो देखेंगे। एंड आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और ये एग्जांपल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, अच्छे से कर लेना इसको। ये अलग टाइप के क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो देखो क्या है कि अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो जैसे ये होता है, इस तरीके से डायरेक्शन होती है ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, इस तरीके से होते हैं। अ पर्सन इज गोइंग ईस्टवर्ड, एक पर्सन है ईस्ट की तरफ जा रहा है, मैन है ईस्ट की तरफ जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पर्सन इस तरफ जा रहा है। फाइंड दैट द वाइंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। एक क्वेश्चन यहाँ तक ही रखेंगे इसको। एक पर्सन है ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी ये है। फाइंड दैट द वाइंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। उसको क्या पता चला कि जो हवा है वाइंड वो अपीयर हो रही है कि वो नॉर्थ से आ रही है, मतलब हवा की डायरेक्शन हो गई ये, हो गई वाइंड। ये क्या देखो, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा ही डबल स्पीड, ये तो हमारा सेकंड केस बनेगा। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज द वाइंड ब्लोइंग। हमें अब की बार एक्चुअल वाइंड तो बतानी है, ठीक है। एक्चुअल वाइंड तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें देखो क्या है कि इन मतलब एक्चुअल वाइंड की तो हमें बतानी है, और ये दे रखा है फाइंड। उसने क्या पाया कि जो वाइंड्स है वो अपीयर्स टू मतलब रिलेटिव हमें अब की बार गिवन है, और जो एक्चुअल है वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब की बार ध्यान रखना इसके अंदर कि एक पर्सन है वो इधर जा रहा है, ये बात ठीक है, विद द वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। उसको क्या पता चला कि जो वाइंड्स हैं वो अपीयर हो रही है नॉर्थ की तरफ से, वो आ रही है। तो जो ये वो हमने वेलोसिटी मान ली इसकी कितनी है, v1 है। ये हमारी क्या है, ये है हमारी रिलेटिव वाली, है ना, क्या है रिलेटिव वाली, एक्चुअल हमें निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है, विद वेलोसिटी ऑफ वाइंड, वाइंड की वेलोसिटी निकालनी है। अब जो वेलोसिटी है ना वाइंड की एक्चुअल, वो आपकी मर्जी है, आप रिजल्ट यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या बच जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ ईस्ट में आई है, नॉर्थ वेस्ट में आई है, वेस्ट साउथ में आई है, साउथ ईस्ट में आई है। जो आपका आंसर है ना एग्जाम्पल्स में भी क्वेश्चंस में भी साउथ और ईस्ट के हिसाब से दे रखा है, बस इस वजह से आपका आंसर मैच हो जाए मैं यहाँ पे ले रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी जो ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक्चुअल वेलोसिटी जो कि हम क्या लेंगे, कैपिटल वी। जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इसके साथ क्या एंगल बनाएगी, थीटा, ठीक है। तो ये हमारी एंगल हो गई, क्या है, एक पर्सन जा रहा है ईस्ट की तरफ जिसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर्स है। उसको क्या पता चलता है कि जो वाइंड है वो आ रही है, अपीयर हो रही है कि वो जो वाइंड है वो कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है। उसके बाद डबल स्पीड ये वाला सेकंड केस होगा, वो हम बाद में देखेंगे। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी इज़ द वाइंड ब्लोइंग, हमें बताना है किस डायरेक्शन में और किस वेलोसिटी के साथ जो हवा है वो बह रही है। अब देखो जो फॉर्मूला होता था मेरा एक्चुअल, पहले हम रिलेटिव का निकालते थे, रिलेटिव किसके इक्वल होती थी, एक्चुअल माइनस में रिवर्स, किसकी निकालनी, वाइंड की विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वाइंड की तो हम लेंगे एक्चुअल, और मैन की क्या लेंगे, रिवर्स। तो हमें निकालनी है किसकी, जैसे हमारे पास हमें निकालनी है एक्चुअल, एक्चुअल किसकी, वाइंड की। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस होता था, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ मैन, ठीक है। एक्चुअल वाइंड की निकालनी है, वो किसके को लगी, रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ मैन, ठीक है। जैसे ये बुक में अलग फॉर्मूला दे रखा, हम इसी फॉर्मूले से करेंगे, जो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले किए, मतलब इसी फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, इसी फॉर्मूले से हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा, कि जो एक्चुअल ऑफ वाइंड है ना वो किसके इक्वल है हमारी, रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ मैन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो निकालो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड क्या होगी हमारी, वाइंड की एक्चुअल वेलोसिटी। अब ये एक्चुअल तो हमारी ये है, अब ये कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो थीटा एंगल बना रही है तो ये क्या होगा, इसका रिजोल्व हो गए, रिजोल्व किस में होगा, कोस थीटा और साइन थीटा में। अब देखो एंगल क्या बनेगा इसका, ओ ई के साथ अगर हम देखें स्टार्टिंग में, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओ ई, ओ ई के अलोंग देखो क्या एंगल बनेगा,
ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट, पूरा होता है 360 माइनस ऑफ थीटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा वी कोस 360 माइनस थीटा, वी कंपोनेंट आता है और साथ में एंगल आता है, एंगल देखो ओ ई के साथ ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 360 माइनस ऑफ थीटा, राइट, तो ये हो गया 360 माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस और सिकेंट हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे वी ऑफ कोस थीटा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे अलोंग ओ एन, ओ एन के अलोंग क्या हो जाएगा, जैसे वी ऑफ साइन 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा में ये तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, 360 माइनस तो साइन ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव की जगह हमारे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, तो जो हमारा साइन है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस ऑफ वी साइन थीटा इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव किसकी, वाइंड की, वाइंड की रिलेटिव हमारी क्या होगी, ये जो रिलेटिव ओ ई के अलोंग तो है ही नहीं क्योंकि ये हमारी क्या है, ये तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ओ एन के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग तो है ही नहीं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड होगी अलोंग ओ ई वो क्या होगी ज़ीरो, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग जो हमारी ओ एन होगी वो क्या होगी यहाँ पे वी वन, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिवर्स, रिवर्स ऑफ मैन, मैन देखो एक इसकी मैन की जो हमारी सीधी वाली वेलोसिटी वो तो फोर है, अगर हम रिवर्स लेंगे तो क्या होगी माइनस ऑफ फोर, ये अलोंग ओ ई है, ओ ई एन के अलोंग तो ये है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है मैन, तो ये क्या होगा जीरो, सिर्फ और सिर्फ हम तभी रिजोल्व करते हैं पार्ट्स को जब हमारे वो ऐसे एंगल पे आए, अगर वो एक एक्सिस के अलोंग है तो सिर्फ और सिर्फ हम उस एक्सिस के अलोंग तो वैल्यू लेते हैं, दूसरी एक्सिस के अलोंग जीरो ले लेते हैं, ठीक है, तो ये होगा। अब हम वैल्यू कर सकते हैं पुट, जैसे एक्चुअल ऑफ वाइंड एक्स एक्सिस के अलोंग लूँ मैं, तो वी कोस थीटा इक्वल टू रिलेटिव वाइंड ओ ई के अलोंग कितनी है जीरो, और ये क्या हो गया हमारा जैसे प्लस का माइनस माइनस प्लस फोर, तो वी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, फोर के इक्वल आ गया। यहाँ से वी साइन थीटा भी निकाल लो, वैसे नीड नहीं पड़ेगी हमें इसकी, बट निकाल लेते हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है कि निकालना है या नहीं, तो यहाँ से तो हमारा क्या आएगा माइनस ऑफ वी साइन थीटा आएगा, तो माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा वी वन प्लस, मतलब माइनस जीरो आएगा तो वी वन ही हो गया, तो एक तो टर्म हमारे पास ये बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। अब हम क्या लेंगे इसका सेकेंड केस लेंगे, सेकेंड केस में देखो क्या बोल रखा है इन्होंने कि ही डबल ई स्पीड एंड द वाइंड अपीयर्स टू, यहीं पर बना लेते इसका डायग्राम, पहले 4 किलोमीटर से चल रहा था मैन, ही डबल ही स्पीड, उसने उसकी स्पीड डबल कर दी, 4 से क्या कर दी 8 मैन ने, ठीक है। एंड द वाइंड अपीयर टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो वाइंड है अब लग रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, जब उसने स्पीड डबल कर दी उसको क्या लग रहा है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वाइंड, अगर नॉर्थ ईस्ट बोल दिया ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल देता तो ईस्ट की साइड लगा देते, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलता तो नॉर्थ की साइड कर देते, लेकिन इसने क्या बोला नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब इसके साथ भी 45 डिग्री का एंगल है और इसके साथ भी 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ही डबल स्पीड एंड द वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इन वट डायरेक्शन एंड विद वट वेलोसिटी इज द वाइंड ब्लोइंग, हमें बताना वही सिमिलर बात बतानी है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने कुछ वी टू मान ली वेलोसिटी, ये क्या है रिलेटिव वाली, रिलेटिव किसकी वाइंड की, एक्चुअल वही यहीं पर ले लेंगे हम, क्या है कैपिटल ऑफ वी, और ये एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, अब देखो किस तरीके से निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला एक्चुअल ऑफ वाइंड निकालते हैं, पहले देखो क्या होगी एक्चुअल ऑफ वाइंड, जैसे पीछे निकालते एक्चुअल ऑफ तो वही निकलेगी, जैसे अलोंग ओ ई, जैसे ये हुआ था ना हमारा वी कोस थीटा और माइनस ऑफ वी साइन थीटा, ये तो सेम ही होगी क्योंकि इसमें तो सेम ही एंगल है ना। अब ये निकालो रिलेटिव ऑफ वाइंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओ ई के अलोंग निकालो, ये हो गया एंगल इतना हो जाएगा ये तो देखो पूरा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 180 और ये प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना था 225, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे वी टू कोस 225 अलोंग ओ एन क्या आ गया वी टू साइन 225, ठीक है ये हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है रिवर्स ऑफ मैन, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग ओ ई कितना आ गया माइनस ऑफ 8 और अलोंग ओ एन क्या हो गया 0।
अब देखो ये वैल्यू चाहिए थी ना, कॉस ऑफ 225 और साइन ऑफ 25 ऑलरेडी निकाल के रख लिया। देखो कॉस 25 क्या होगा, कॉस ऑफ 180 प्लस 45, तो 180 प्लस थीटा में कॉस हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ कॉस 45, तो माइनस ऑफ 1/√2। सिमिलर ये 1/√2 होगी, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ V2/√2 और ये आ गई V2/√2। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जैसे ये करते हैं एक्चुअल इक्वल टू रिलेटिव माइनस ऑफ रिवर्स, तो एक्चुअल क्या आई वी कॉस थीटा, ये क्या हुई माइनस ऑफ V2/√2, ये क्या हुई माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, माइनस ऑफ वी साइन थीटा किसके इक्वल आया हमारा यहाँ से V√2 माइनस में 0 V2√2, ये आ गई टर्म इस तरीके से, ये आ गया। ठीक है, जो आपकी ये वैल्यू होगी साइन ऑफ 180 प्लस 45, तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये मैं नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वी ऑफ साइन थीटा क्या आ गया यहाँ पे V2/√2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ से, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे V2 हमने खुद से लिया वैल्यू, V2 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि V2 हम आंसर में नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमने खुद से ले रखी है। तो वी कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, जैसे माइनस ऑफ 8 इधर ले आओ, इधर ये रख लो, ये माइनस ऑफ V2/√2। ठीक, और ये हो गया वी साइन थीटा इक्वल टू V2/√2, डिवाइड कर दो दोनों को, तो वी कोस थीटा माइनस 8 अपॉन वी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ 1 आ गया, वी कोस थीटा माइनस ऑफ 8 इक्वल टू माइनस ऑफ वी साइन थीटा आ गया। इस तरीके से होगी ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू इधर ले आओ, वी कोस थीटा प्लस वी साइन थीटा क्या हो गया 8। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट था यहाँ पे, जो फर्स्ट केस था, वी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4, यहाँ पे पुट कर दो वी कोस थीटा की वैल्यू 4, वी साइन थीटा इक्वल्स टू 8, तो वी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 8 - 4 दैट इज 4, वी कोस थीटा भी 4 आ गया, वी साइन थीटा भी 4 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि वी की वैल्यू भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ। वी की वैल्यू किस तरीके से पता चलेगी, स्क्वेयरिंग और एडिंग करके, स्क्वेयर ऐड कर दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4² + 4² क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 32 V², तो वी की वैल्यू क्या आगी 4√2। सिमिलर ये लिख देना यहाँ पे किलोमीटर पर आर। उसके बाद हमें इनको डिवाइड करना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट थीटा 1 नहीं आएगा, डिवाइड कर दो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से दोबारा देखेंगे हम, कि एक पर्सन है वो जा रहा है ईस्ट वार्ड, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आर। फाइंड दैट द वाइंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। उसको क्या पता चला कि ही फाइंड्स दैट कि जो हवा है वो नॉर्थ की तरफ से आ रही है, मतलब उसको अपीयर हो रहा है, मतलब ये रिलेटिव हमें दे रखी है। फिर हमें वेलोसिटी बतानी है, तो हमने ये वी ले लिया। ठीक, तो हमें फॉर्मूला पता है एक्चुअल वेलो जो वाइंड है इक्वल्स टू रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ मैन। ठीक, इस तरीके से लेंगे, क्योंकि हमें वाइंड की बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मैन बतानी है, तो वाइंड की एक्चुअल होगी और मैन की रिवर्स होगी, तो हमें वो फॉर्मूले से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड है, ये हम ये लेके चले हैं ओई के लोंग, अगर देखें तो क्या आ जाएगा वी कोस 360 - थीटा, तो वी कोस थीटा हो गया। अगर ओ एन के अलोंग देखें तो क्या आ जाएगा वी कोस वी साइन 360 - थीटा, 360 - थीटा में हमारा क्या होता है साइन नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड, अब हमें क्या निकालनी है, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है वाइंड की। अलोंग ओई अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो रिलेटिव ये है, ओई के अलोंग देखें, ओई पे तो ये चीज़ चल ही नहीं रही, तो ओई के अलोंग तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और ओ अगर हम ओ एन के अलोंग देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी V1 हो गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, और वो भी माइनस वाली। उसके बाद क्या लेंगे हम रिवर्स ऑफ मैन, मैन की रिवर्स लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 4 = 0, तो ये हमारी अब कंपेयर कर दो क्या हो जाएगा वी ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 ये आ गया, ये आ गई हमारी माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ V1। इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसी की वैल्यू का यूज़ होगा, क्योंकि ये V1 हमने खुद से ले रखी है, तो इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में एलिमिनेट नहीं होगी इस वजह से, तो हमने सिर्फ यही वाली वैल्यू का यूज़ किया आगे। ओके, उसके बाद सेकंड केस बोल रखा है ही डबल्स हिज स्पीड एंड द वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। फिर उसने डबल स्पीड कर दी, 4 से 8 कर दी, ऐसे लग रहा है कि जो हवा है अब नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है, तो इस तरीके से हवा आएगी, वो हमने रिलेटिव वाइंड की मान ली V2, और वही हमें एक्चुअल ही निकालनी है इसके अंदर भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वही होगी जैसे वी कोस, ये पूरा एंगल क्या हो 360 - थीटा, तो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा 360 साइन 360 -
थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है माइनस ऑफ वी साइन थीटा आ गया। तो इसको कंपेयर करेंगे वी कोस थीटा से, इसको कंपेयर करेंगे माइनस ऑफ वी साइन थीटा से। उसके बाद वैल्यू निकालो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओई, ओई के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ से वी टू ऑफ कोस 225, और जब हम ओ एन के लॉन्ग निकालेंगे तो वी टू ऑफ साइन 225 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालती है रिवर्स ऑफ मैन, मैन की इस साइड जा रही है तो 8 आ रही, इधर आएगा क्योंकि एक्चुअल तो इसकी 8 है लेकिन रिवर्स निकालें तो माइनस, माइनस ऑफ इट आ गया, ओ एन के लॉन्ग तो मैन है ही नहीं तो 0। तो वी कोस थीटा हमारे किसके इक्वल आ गया, फिर हमें क्या पता चला कि इसकी वैल्यू भी कोस 225 और साइन 225 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 1/√2 और माइनस ऑफ 1/√2। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, गलती मत करना बिल्कुल भी क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से आ गई वैल्यू। फिर ये हमें क्या करना पुट कर देना वी ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी टू अपॉन रूट टू, और माइनस माइनस क्या हो गया फॉर्मूले का प्लस 8 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया ये वाली वैल्यू और माइनस 0। तो ये होगा माइनस माइनस कैंसिल होगा प्लस हो गया। तो अब हमें तो आंसर में वी टू चाहिए नहीं क्योंकि वी टू हमने खुद से ले रखा है, तो ये वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देंगे इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई। फिर हमने इसमें जो पीछे वैल्यू आई थी वो इसमें पुट कर दी, वी साइन थीटा भी 4 आ गया, वी कोस थीटा भी 4 था, उसकी स्क्वेयरिंग एडिंग करके कैपिटल वी की वैल्यू निकाल दी, उनको डिवाइड करके हमारा टेंजेंट थीटा आ गया, तो हमारी डायरेक्शन भी आ गई और एक्चुअल हमारी जो वेलोसिटी थी वो भी आ गई वाइंड की। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, अ पर्सन ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट, एक पर्सन है ईस्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पर्सन ईस्ट की तरफ आ रहा है, डायग्राम में बस यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। तो ये हो गया, एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ आ रहा है, पहले ये बना लो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, पर्सन ईस्ट की तरफ आ रहा है, पर्सन की वेलोसिटी हमने अपनी मर्जी से यू ले ली, ये पर्सन है। ठीक है, ये हो गया, द वाइंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, हवा वही नॉर्थ ईस्ट से हमें लग रही है आ रही है, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल और ये भी 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हवा हमें लग रही है इस तरीके से आ रही है। ठीक है, फिर हमें क्या लेना होता है एक रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमने वही कैपिटल वी ले लिया, हमें वही डायरेक्शन ऑफ वाइंड निकाली, ये एक्चुअल है, हमें लग रहा है कि आ रही, तो ये क्या है रिलेटिव है वाइंड की, वो हम क्या मान लेंगे कुछ भी V1 मान लेंगे, जैसे ये V1 होगी। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि हवा इस तरीके से आ रही है तो रिलेटिव होगी, एक्चुअल होगी वाइंड की, ये थीटा एंगल मान लो। ठीक है, अब हम किस तरीके से निकालेंगे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला कि जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड थी वो क्या थी रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ मैन। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओ ई क्या होगा वी ऑफ कोस थीटा, मतलब वही वी ऑफ कोस 360 माइनस थीटा क्या हो गया था वी ऑफ कोस थीटा। सिमिलर वो वी ऑफ 360 वी ऑफ साइन 360 माइनस क्या हो गया था माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाइंड अलोंग ओ ई क्या होगी, यहाँ से ये देखो कितना एंगल बनकर 225 V1 कोस 225 हो गया, सिमिलर ये क्या होगा V1 साइन 225 हो गया। ठीक है, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ पर्सन अलोंग ओ ई, ओ ई के अलोंग रिवर्स वेलोसिटी क्या होगा माइनस ऑफ यू और ओ एस के अलोंग 0। तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है जैसे ये वैल्यू कंपेयर करनी होती है वी कोस थीटा इक्वल टू वी वन कोस 225 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यू कोस 225 इक्वल माइनस 1/√2, सिमिलर इसको कंपेयर कर दो माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल टू वी वन साइन 225 और माइनस ऑफ 0, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी माइनस ऑफ 1/√2, इस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वी कोस थीटा माइनस ऑफ यू इक्वल्स टू वी वन दिस हो गया, वी साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे हो गया वी वन ऑफ दिस। अब हमें वी वन एलिमिनेट करना है क्योंकि वी वन हमने खुद से लिया है, तो हमने वी वन को एलिमिनेट करना है, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, तो वी ऑफ साइन थीटा अपॉन हमारा क्या हो गया यहाँ पे वी ऑफ कोस थीटा माइनस ऑफ यू इक्वल्स टू वन, तो माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल्स टू ये उधर चला गया, माइनस ऑफ वी साइन थीटा ये इधर आ गया माइनस ऑफ यू, माइनस कैंसिल हो गया तो वी ऑफ कॉमन आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया, एक होगी इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है कि बट वैन ही डबल हिज स्पीड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन टेंजेंट इनवर्स 2/3 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो क्या बोल रखा है कि लेकिन जब वो अपनी स्पीड डबल कर लेता है टू यू कर लेता है, ठीक है, मतलब पर्सन जब उसकी स्पीड डबल कर लेता है इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है इस तरफ ऐसे इसकी तरफ नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट से आ रहा है,
तो हमारा ये वाला एंगल बन गया, ये हमने ले लिया अल्फ़ा, ये हो रहा है अपीयर, ऐसा लग रहा है तो वाइंड रिलेटिव हो गई है। वी टू मान लिया, ये टू यू हो गया, वही एक्चुअल हमने ये ले ली कैपिटल वी, तो एक्चुअल ऑफ वाइंड क्या हो गया, रिलेटिव वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ पर्सन, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड हमारी क्या, वही वी ऑफ कोस 360 माइनस थीटा और वी ऑफ साइन 360 माइनस थीटा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकाली रिलेटिव ऑफ वाइंड, वाइंड की रिलेटिव क्या होगी इस तरीके से, देखो वी टू ऑफ कोस, देखो ये एंगल यहाँ से ओई के लॉन्ग अगर हम देखें तो एंगल क्या बनेगा 180 प्लस में अल्फ़ा, राइट, तो क्या होगा हमारा वी टू ऑफ कोस 180 प्लस अल्फ़ा और ओ एस के लॉन्ग वी टू ऑफ साइन 180 प्लस अल्फ़ा, राइट। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, रिवर्स ऑफ पर्सन, इधर एक्चुअल है तो पॉजिटिव है तो रिवर्स क्या होगी माइनस ऑफ टू यू और ये क्या हो जाएगा जीरो, फिर कंपेयर कर दो सिमिलर, वी ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा वी टू ऑफ कोस 180 प्लस अल्फा एंड माइनस ऑफ माइनस टू यू दैट इज प्लस, तो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलर माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल्स टू दिस माइनस जीरो, तो ये इक्वेशन आ गई। उसको अब हमें क्या करना है, वी टू को एलिमिनेट करना है, तो वी कोस थीटा इक्वल्स टू दिस माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल्स टू दिस, हमें वी टू वाली इक्वेशन ये एक साइड लिखाने रख लेनी है और ये वाली इक्वेशन एक साइड रख लेनी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वी टू कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से टेंजेंट अल्फा आ गया। अब जो क्वेश्चन में है ना, ये दे रखी है वैल्यू, क्या दे रखा है कि जो हमारा टेंजेंट इनवर्स 2/3 है वो हमें दे रखा है अल्फ़ा। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स 2/3 अल्फ़ा है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2/3। देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि व्हेन ही डबल स्पीड हीट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन दिस नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो वो मैंने एक मिनट के लिए क्या मान लिया था अल्फ़ा, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है ना टेंजेंट इनवर्स 2/3, तो यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा आ गया, तो यहाँ पे 2/3 पुट कर दो तो ये आ गया। उसको नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से एक इक्वेशन ये बन गई। अब हम क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम फर्स्ट और सेकंड को ताकि हम थीटा निकाल सकें, तो इसको नॉर्मली डिवाइड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इजी सा है ये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अब अ पर्सन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक पर्सन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, फाइंड दैट उसने क्या पाया, ही फाइंड दैट द वाइंड अपीयर टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, जो वाइंड है वो नॉर्थ से आ रही है, नॉर्थ की तरफ से, बट उसके बाद सेकंड केस है यहाँ से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइंड बतानी हमें, थीटा बताना है, एक्चुअल वही बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, ये हमने यू मान ली, हमने वी वन मान ली, तो एक्चुअल ऑफ वाइंड इक्वल टू रिलेटिव ऑफ वाइंड माइनस रिवर्स ऑफ पर्सन, तो वी बी एक्चुअल वेलोसिटी, तो क्या होगा वही एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड क्या होगा 360 माइनस थीटा वी कोस थीटा माइनस ऑफ वी साइन थीटा, रिलेटिव ऑफ वाइंड अलोंग ओई, रिलेटिव ऑफ वाइंड हमें वाइंड क्या दे रखे, ये वाली ओई के लॉन्ग तो ये है ही नहीं, जीरो है, इसके लॉन्ग क्या होगा माइनस ऑफ वी वन। ठीक है, रिवर्स ऑफ पर्सन अलोंग ओई, ओई के अलोंग पर्सन, पर्सन यहाँ जा रहा है तो रिवर्स लेनी है, तो एक तो माइनस ऑफ यू आएगा और कोस कितना आएगा 45, तो ये हो गया, और माइनस ऑफ यू साइन 45, क्योंकि वैसे तो यू आता अगर एक्चुअल लेते लेकिन रिवर्स ले रहे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, कंपेयर कर दो अब, वी ऑफ कोस थीटा इक्वल टू जीरो माइनस माइनस प्लस यू कोस 45 माइनस ऑफ वी साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ वी वन माइनस माइनस प्लस यू साइन 45, इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, तो उसको यू कोस 45 वी वन प्लस यू अपॉन ये कोस 45 की वैल्यू पुट कर दी √1/√2, सिमिलर यहाँ पे भी पुट कर दी। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसकी नीड नहीं पड़ेगी हमें क्वेश्चन के अंदर, इसी की नीड पड़ेगी, जैसे एग्जाम्पल में हमें फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी, वैसे हमने निकाली दोनों है क्योंकि अभी हमें नहीं पता इसकी नीड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया कि बट व्हेन ही डबल स्पीड, जब वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है यू की जगह टू यू कर देता है, इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एन एंगल कोट इनवर्स टू फ्रॉम द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ बाद में आया तो इसकी साइड से एंगल लगेगा ये अल्फा, ये अल्फा क्या है टेंजेंट कोट इनवर्स टू है हमारा अल्फा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है, देखो डायग्राम बना लेते हैं हम क्योंकि हमें एंगल इसी से समझ आएंगे, ये हो गया वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, वो अपनी स्पीड को डबल कर रहा है, मैन यहाँ से चल रहा था 45 डिग्री के एंगल पे, तो उसने स्पीड कर ली डबल टू यू, ये भी 45 डिग्री का एंगल, ये भी 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसने स्पीड डबल कर ली, इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एन एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि नॉर्थ की साइड, ये क्या दे रखा है कोट इनवर्स टू, ये अल्फा मान लिया हमने, ये अल्फा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, वही
वैल्यू निकाल लो, सीधी सीधी हैं, बिल्कुल इजी सी। ये तो पर्सन की है, ये हमें लग रही है तो रिलेटिव है, और रिजल्टेंट कैपिटल भी है। ये थीटा एंगल बनाया इसके साथ, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाइंड क्या होगी, वही ये तो आपको आती है। अब 360 माइनस करना है वी कॉस थीटा माइनस ओ वी साइन थीटा। रिलेटिव ऑफ वाइंड अलोंग ओ ई क्या होगी, ओ ई के अलोंग रिलेटिव ऑफ वाइंड क्या होगी। देखो ये क्या एंगल बनाएगी इसके साथ, देख लो ध्यान से, ये वाली इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक। अब ये एंगल देखो, यहाँ से इसका एंगल देखना है। अब देखो ये है एक, ये तो पूरा 180 डिग्री बन गया, लाइन है ये 180 डिग्री बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूरा 90 था, 90 में से अल्फ़ा तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 180 प्लस 90 माइनस अल्फा हो गया ना, 180 प्लस 90 270, तो 270 माइनस अल्फ़ा ले लिया। सिमिलर यहाँ पे साइन 270 माइनस अल्फा ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, रिवर्स ऑफ पर्सन। पर्सन कहाँ है, यहाँ पे है, तो पर्सन 45 डिग्री एंगल बना रहे, लेकिन माइनस ऑफ 2u cos 45 और माइनस ऑफ 2u sin 45। वो आगे तो बिल्कुल नॉर्मल सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर कर दो, ये वाली टर्म इसके साथ आ गई, ये वाली टर्म इसके साथ, नॉर्मल सॉल्व कर दूंगे तो हमारी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 मैंने आपको करा दिया, तीनों टाइप तीनों क्वेश्चन थे, सेम टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप अच्छे से कर लेंगे इसको तो आपका अच्छे से हो जाएगा, इसमें से आने के चांस हैं इस लेक्चर्स में से। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।